बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं एहतसाब समा टीवी पे। मैं इमरान खान हूँ। तहरीक एतमाद के ऊपर बहुत रोला पड़ा हुआ है, लेकिन कल जब पीडीएम का इजलास हुआ उसके बाद ऐलामिया जारी हुआ तो ऐसा महसूस हो रहा था कि फतह का ऐलान करेगी पीडीएम, लेकिन फतह का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा जी अभी हमें काम करना है, इसके ऊपर इत्तेहादियों से भी बात करनी है, हुकूमत के जो हैं, फिर हुकूमत के जो लोग नाराज़ हैं उनसे भी बात करनी है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें आपस में भी बात करनी है। तो अगर इतना कुछ है तो फिर तहरीक एतमाद कामयाब कैसे होगी? कल पीडीएम की बातचीत से ऐसा लगता था कि उनको खुद भी यकीन नहीं है कि वो तहरीक एतमाद को कामयाब करवाएंगे, वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो करेंगे, तहरीक एतमाद लाएंगे। मौलाना फजलुर्रहमान साहब ने रब्ता किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत से। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत वो है जिससे मौलाना फजलुर्रहमान साहब को बहुत शिकवे और शिकायतें थी। पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, लेकिन देखिए कैसा खेल है। थोड़ा अरसा पहले जिस पीपल्स पार्टी को तमाम मसाइल का और अपोजिशन के इत्तेहाद के टूटने के लिए जिम्मेदार करार दिया जा रहा था, आज उसी पीपल्स पार्टी के फॉर्मूले के ऊपर पूरी की पूरी पीडीएम चल रही है, जबकि वही पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। और मौलाना फजलुर्रहमान साहब को जो पीडीएम के सरबराह है खुद राबता करना पड़ा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत के साथ। तो जरदारी साहब ने साबित किया कि वो पॉलिटिकल विजडम में कम से कम पीडीएम के अंदर शामिल बाकी जमातों से बेहतर अंदाज में फैसले कर सकते हैं, और उनकी सियासी काबिलियत या देखने की सलाहियत इन लोगों से शायद ज्यादा है, या हालात जरदारी साहब को ऐसी जगह पर ले आते हैं जहां पर उनकी रेलिवेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ में गेम है, लेकिन कल के इजलास में कुछ जो मुबैना तौर पे चीज़ें सामने आ रही हैं उनमें ज़राए से कि तहफ़ुज़ात ही तहफ़ुज़ात थे, कि हुकूमत के जिन बंदों के बारे में कहा जा रहा है कि वो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, वो एक्चुअली कौन है, वो कितने हैं, क्या वो खड़े भी रहेंगे या नहीं। दूसरा, स्पीकर को तब्दील करना पहले कितना ज़रूरी है, ये भी एक बहुत अहम नुकता था, क्योंकि अगर स्पीकर असद कैसर होंगे तो वो कामयाबी नहीं होने देंगे, लिहाजा स्पीकर को पहले तब्दील किया जाए फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ जाए। फिर एक बड़ा सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब को हटा दिया जाता है तो फिर वजीर आजम पाकिस्तान कौन होगा और कितनी मुद्दत के लिए होगा, क्योंकि पीएमएलएन ये कहती है कि हम फौरन एक नए इलेक्शन में जाना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी टेन्योर पूरा करना चाहती है, एक डेमोक्रेटिक तरीके से एक वजीर आजम को हटाकर दूसरे को लाएं और फिर टेन्योर को पूरा किया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के सिंध में वो मनसूबों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहेंगे जिसपे वो काम कर रहे हैं, उनकी वहां पर गवर्नमेंट है। लेकिन पीएमएलएन के लिए, फजलुर्रहमान साहब के लिए, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा वो चाहेंगे कि फौरी तौर पे नए इंतखाबात हो जाएं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो तकरीबन एक तरह का डेडलॉक है। अब पीडीएम या पीपल्स पार्टी इसको माने या ना माने, ये सिचुएशन तो बनेगी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है उनसे हम बातचीत का आगाज करते हैं। सेनेटर शिबली फराज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फेडरल मिनिस्टर, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पीएमएलएन से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमरू जमान कायरा साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शिबली फराज साहब, आप ये बताइए कि आपके कितने ऐसे कमजोर लोग हैं जिन पे आप लोगों को शुबा है कि ये तोड़ लिए जाएंगे? और देखें, आपके साथ ये हो चुका है पहले भी, खुफिया बैलेटिंग में यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट पड़ गए थे और आप लोगों ने इस पर एक इंक्वायरी भी की थी। अब मुझे ये बताइए कि पीएमएलएन का ये क्लेम है कि खैबर पख्तूनख्वा से लोगों की तादाद खासी है जो वोट कर सकते हैं इमरान खान साहब के स्पीकर के खिलाफ, यानी असद कैसर के खिलाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ भी, तो आपके पास क्या इत्तला है, आपकी अपनी पार्टी के अंदर कितने ऐसे लोग हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो ऑपोजिशन ने जो नाटक रचाया हुआ है वो बेसिकली वो बेल है जो मुंडेर में चढ़ने वाली। इन्होंने जो एक मुल्क में एक तो या क्या क्या कहेंगे, स्टॉर्म इन अ कप ऑफ टी, प्याली में एक तूफान बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि ये कोई पहली दफा नहीं है कि इन्होंने इस किस्म की बातें की हैं, ये पिछले 3 साल से ये बातें कर रहे हैं और हमने ये भी देखा है और अवाम ने भी देखा है कि हर दफा जो भी वो चीजों का ऐलान करते हैं वो कभी कामयाब होती नहीं है, ना उसको किसी मंतकी अंजाम तक ये पहुंचा सकते हैं, चाहे वो पीडीएम हो जब इन्होंने जलसे जुलूस शुरू किए 2020 में, चाहे वो इन्होंने जो इस्तीफों की बात की, चाहे इन्होंने जो अदम एतमाद की बात की। गिलानी साहब को तो उन्होंने बना लिया था सेनेटर। बस एक गिलानी साहब वाला जो है एक एक चीज कामयाबी, उसके बाद भी आप देख लें कि उसके बाद हमने कितनी जगह पे, चाहे वो ज्वाइंट सेशन हो या चाहे और भी हो या सेनेट के सेशन ही को ले लें,
जो लेटेस्ट इनकी जो जिनको अजीमत उठानी पड़ी है, तो देखें इनमें इस तरह हमारी पार्टी के लोग बिल्कुल ये एक ही उसमें खड़े हुए हैं, इमरान खान के पीछे खड़े हुए हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़े हुए हैं, इनको किसने रोका है? मेरी बात तो कहने को ये है कि ये सारे जो सवालात उठा रहे हैं कि जी इनके इतने लोग इनके पास हैं, कोई कहता है कि हमारे पास इतने लोग हैं लाहौर में है, कोई वफाकी वगैरह आए, तो ये फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ये फिर मैदान में आए, जिस तरह पश्तों में कहते हैं दा गज़ा दा मैदान, तो इनको बजाय ये जबानी इस किस्म के नाटक रचाने के, इनको अमली तौर पर करना चाहिए। इनकी जिस तरह के आपने अपने इब्तदाई में कहा कि इनकी जो कल मीटिंग हुई थी उसमें ये ऐसे लगे जैसे कि किसी स्ट्रोक से उठ के आए हों या आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करके आए हों, और इनके चेहरों से शिकस्त खुर्दा चेहरे नजर आ रहे थे जिसमें कि सबकी आंखों की डायरेक्शन भी इधर उधर हो रही थी, जिसमें कि पता चल रहा था कि ये लोग एक साथ नहीं है क्योंकि इनके मफादात मुख्तलिफ है। कुछ को जिस तरह आपने कहा कुछ को खोने को कुछ नहीं है, तो उन्होंने अपने आप के लिए एक सियासी एक्टिविटी बनाई है, ये अयादत के लिए जा रहे हैं, ये खाने के लिए जा रहे हैं, ये दावत पे बुला रहे हैं, ये दावत पे जा रहे हैं, ये इस तरह नहीं होता। और ना इनके पास कोई प्लान है। आप मुझे ये बताएं कि इनके पास अवाम के लिए क्या प्लान है, ये मुझे ये बताएं कि इन्होंने क्या, इनका रोड मैप क्या है, किस तरह से ये जमहूरियत को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं पिछले 3 साल से। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि ये अपने आप को सियासी जमातें कहते हैं, और एक तरफ इनके जो नैरेटिव है जो नवाज शरीफ ने लगाया था, जिसका जावेद अब्बासी जवाब देंगे कि जो नैरेटिव लेके चले थे, फिर जो मरियम का नैरेटिव है, जो शायद खाकान का है, जो राणा सनाउल्ला का है, जो शहबाज शरीफ का है, तो ये किसके नैरेटिव को हम माने? हमें क्या पता है कि ये अपनी पार्टी भी जो कि 4-5 हिस्सों में तकसीम है, एक एक बात करते हैं दूसरा, और मौलाना साहब को देख ले, वो कह रहे अभी हम ऐलान कर दिए, अभी कहते हैं हमने होमवर्क करना है, होमवर्क किया नहीं है, और आप जो है तो कंक्लूजन कि आप जी इतने लोग हमारे पास है इतने, तो करें करें आप ठीक है। ये गवर्नमेंट से पूछते हैं, ये अपोजिशन से पूछते हैं, ये अपोजिशन से पूछते हैं, मैं मुझे जरा मौका दे, मैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये आपका प्लान है कि आप तरीके आदम एतमाद लाएंगे, बट इट्स नॉट डन, आपको अभी होमवर्क करना है, आपको इत्तेहादियों से बात करनी है, आपको बंदे तोड़ने हैं, यानी कुछ भी कंक्रीट नहीं है। अगर आपके पास ये सारा कुछ होता तो आप अब तक तरीके आदम एतमाद ला चुके होते। जैसे इस्तीफों का मजाक बन गया था और एक छेड़ बन गई थी कि इस्तीफे दो इस्तीफे दो, अब इसी तरह कहीं ये तरीके आदम एतमाद का मजाक तो नहीं बनवा देंगे आप लोग? पहले तो आपको बंदे पूरे करने चाहिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। मुझे अदम एतमाद की कामयाबी के आसार इससे भी बहुत ज्यादा नमाया नजर आ रहे हैं, जो शिवली साहब भी गुस्से में हैं, वजीर आजम पाकिस्तान भी गुस्से में हैं। इतना जब इतना गुस्सा देखा जाता है तो लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत इनको बहुत बड़ा कहीं डर लगा हुआ है, किसी की बहुत बड़े खौफनाक इनके हवाएं आ रही हैं जिनको इनको पता है कि हमें भाग के ले जाएंगे। जहां तक आपके सवाल का तल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि अद्वितीय तादाद उनके पास नेशनल असेंबली में ज्यादा है अपने इत्तेहादियों को मिलाकर, इसीलिए आज तक उनकी हुकूमत कायम है। लेकिन पीडीएम और सारी बाकी सियासी जमातों का यह ख्याल है कि यह वक्त आ गया है कि हम इस हुकूमत को इसलिए इसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आए कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब है, महंगाई बहुत ज्यादा है, मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, करप्शन का दौर दौरा है, गवर्नेंस के बड़े सीरियस इशू हैं, और IMF के पास सरेंडर कर दिया गया, और अगर इन मामलों को अभी अब ना रोका तो बड़ी देर हो जाएगी। इसलिए इत्तेहादी भी जब हम इनकी मुख्तलिफ जो इत्तेहादी आज हुकूमत में बैठे हुए वो भी जब मिलते हैं तो कहते हैं कि अगर हमने अभी इस हुकूमत का साथ दिया तो हम अपनी इलेक्शन कंपेन में नहीं जा सकेंगे। जिस तरह आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए उसके रिजल्ट भी इनके सामने, या जो भाई इलेक्शन हुए उनके रिजल्ट भी सामने। ये वक्त टाइम आ गया है कि अब इत्तेहादी यकीनन इस हुकूमत की किश्ती से शायद अब बाहर आ जाए और वो सच और हक का साथ दें, और उसके मुताबिक हम उसी वक्त तहरीक कदम एतमाद करेंगे। देखिए इसमें एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है, कारा साहब के पास मैं जाता हूँ। कारा साहब, एक्चुअली पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि तहरीके आदम एतमाद, और ये आइडिया भी आपका था, और जरदारी साहब से एक तो इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि फजल रहमान साहब ने जरदारी साहब से रब्ता किया, माजी के मामला की माफी तलाफी हुई है या नहीं हुई, कुछ शोकाज नोटिस था, कोई और चीजें थी, उन पर कहाँ तक बात पहुंची, उस पर जरूर आप बात कीजिएगा। लेकिन मुझे मुझे काइंडली ये बताएं कि आइडिया आप लोगों का था तहरीके आदम एतमाद का, लेकिन बंदे PMLN क्लेम करती है कि हमारे पास, जिम्मेदारी तो सारी उधर शिफ्ट हो गई है, आपने तो सिर्फ अपना वोट डालना है और अपना काम करना है।
देखिए इमरान खान, पहली गुजारिश तो यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जरदारी साहब को फोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज थी। उनके साथ उनके दरीने ताल्लुकात हैं, पुराने ताल्लुक हैं। अगर सियासी तौर पर डिफरेंसेस हो गए किसी जगह पे तो ताल्लुक तो खत्म नहीं हो जाते। एग्जैक्टली ये ऐसे ही है कि हम पीडीएम से अलग हो गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के और पुस्तम जी के साथ हमारे सियासी ताल्लुकात तो अपनी जगह कायम रहे। सो मौलाना ने उनसे खरीद दरियाफ्त की और ये अभी नेचुरली कल ही बात हुई उस वक्त, और उसी वक्त पीडीएम का इजलास खत्म हुआ था। तो मौलाना ने ये भी गुजारिश की कि हम फैसला कर दिया है कि आपका आइडिया जो है तरीके अदम एतमाद का, उसको फॉलो किया जाए। रही बात की थी, हमारे पास हमारा आइडिया था, हमारा इससे पहले आइडिया था कि बाय इलेक्शन लड़े जाए, बाय इलेक्शन में हमने कामयाबी हासिल की। फिर हमारा आइडिया था कि सेनेट का इलेक्शन लड़ा जाए, बसों का ख्याल इससे मुख्तलिफ था, वो हम लड़े तो उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। हमारा उस वक्त से ये आइडिया था और ये कोई नई बात नहीं है। ये जो पीडीएम का चार्टर लिखा गया था उसका सेकेंड लास्ट क्लास भी ये थी कि हमें अदम एतमाद की तारीख मूव कर सकते हैं। सो हमारा ये ख्याल था, हमारे दोस्तों का ख्याल उस वक्त इससे मुख्तलिफ था कि शायद उसके लिए मुनासिब वक्त नहीं है। हो सकता है इनका ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन आज भी मुनासिब वक्त है। उस वक्त हमारे ख्याल में मुनासिब था, आज हमारा ख्याल ये है कि आज पाकिस्तान के अवाम ज्यादा तंग है, आज ज्यादा महंगाई है, आज ज्यादा एक्सपोज है। ये हुकूमत कहाँ खड़ी हुई है, किधर गए काट, किधर गए इनके, किधर गए शहजाद अकबर के, अरे सारे के सारे पिट गए। अब सवाल ये है कि हमारे पास क्या है, हम जो तादाद अपने तौर पे इकट्ठी कर सकते हैं, जो इस फैसले को अमल दरामद के लिए अपना हिस्सा डाल सकते हैं हम भी डालेंगे, और जो मुस्लिम लीग डाल सकती है वो भी डालेंगे। अगर कुछ लोगों को अपने मुस्तकबिल के लिए मुस्लिम लीग से किसी तहफ्फुज की जरूरत है तो वो मुस्लिम लीग पूरा कर सकती है, लेकिन ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी चैलेंज है, ये शेर पाव साहब का भी चैलेंज है, ये एएमपी का भी चैलेंज है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन की इस चैलेंज का सामना करेंगी, और इसको हम इकट्ठे होके जॉइंट हिकमत अमली से इसको तय करेंगे। किसी का रोल ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, ये अलग बात। रही बात के जी हम कैसे कर लेंगे और क्यों हमारी तैयारी नहीं थी और हमने ये फैसले कर लिए, तो ये बात भी दुरुस्त है कि पहले आप इकट्ठे होते, आप उसमें डिफरेंसेस थे, अगर वो दूर ना होते तो क्या पहले स्ट्रेटजी तय कर ली जाती? Exactly. पहले हमें आपस में जो बर्फ थी वो पिघलानी थी, आपस में वर्किंग रिलेशनशिप ठीक करना था, और फिर मुस्लिम लीग ने पीडीएम की बाकी जमातों से रबते करने थे, उन्होंने एक फैसला करना था। अब अगर फैसले हो गए तो उसके बाद एक मुश्तरका अजलास होने में या कोई कमेटी बन के ही फैसले करेगी ना कि अब हमें कैसे मूव करना चाहिए, किस तरीके से, और किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी है, वो भी जिम्मेदारी लगाई जाएगी और पूरी होगी इंशाल्लाह ताला, डोंट वरी। एक सवाल बताओ, पीपल्स पार्टी का आइडिया है, पीपल्स पार्टी मेन पार्टी, और पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर कोई भी कामयाबी नहीं मिल सकती। तो पीपल्स पार्टी उस जगह पे जब अनाउंसमेंट हो रहा था तरीके दम एतमाद का, पीपल्स पार्टी के लोग वहां पे खड़े होने चाहिए थे, असूलन वो नहीं थे, एक चीज। दूसरा, लास्ट टाइम जरदारी साहब ने एक एतराज उठाया था कि मियां साहब इधर आओ, रल के लड़िए, मिलके लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं। अब दोबारा ये शर्त मौजूद है या ये वाली जो गुजारिश आपकी थी मियां साहब से ये खत्म हो गई? गुजारिश तो ये है कि हमारे लोग कहां होने चाहिए थे पीडीएम में जब फैसला हुआ, हमारा फैसला तो उससे पहले मौजूद है। ठीक है, हमने मुस्लिम लीग के घर जाके उनसे फैसला कर लिया, हमारा फैसला मौजूद है। अब पीडीएम में हम है नहीं तो आप क्या मुझे छेड़ रहे हैं? नहीं, आप मुझे शुगर लगा रहे हैं? नहीं, मैं छेड़ नहीं रहा आपको, मेरी क्या जरूरत है? नहीं नहीं, शुगर मैं भी जरा लाइटर साइड पर कह रहा हूँ कि मैंने तो वहां नहीं होना था ना, लेकिन जो जमाते वहां थी, जिन्होंने वहां होना था, वो वहां मौजूद थे। अनाउंसमेंट डिले हो सकता था कि पीपल्स पार्टी के साथ पहले बैठ जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक प्रिंसिपल डिसीजन किया। अब उससे आगे चलने के लिए यकीनन हमें हिकमत अमली के लिए कमेटी बन के इसी तरह चलना पड़ेगा। रही बात जरदारी साहब ने जो कहा था, इसके ऊपर मैं कोई दसियों बीसियों प्रोग्रामों में ये बात कह चुका हूँ कि वो क्या बैकग्राउंड था, वो कोई मुतालबा नहीं था और उसको मुतालबे के रंग में लेना भी मुनासिब नहीं है। वो क्या सूरत हाल थी आज मैं फिर बयान कर देता हूँ, और उम्मीद है कि इसके बाद इसकी मुझे वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस पर बहुत प्रोग्राम हो चुके हैं। हुआ क्या था, मियां साहब ने
एक मीटिंग के अंदर, जिस मीटिंग में ये गुफ्तगू हुई उससे पहली मीटिंग के अंदर भी मुख्तलिफ ख्याल दिमाग किए थे, उनके अपने ख्याल, हमारे अपने ख्याल, उन ख्याल के अंदर एक डिस्कशन हुई। मियाँ साहब ने गुफ्तगू करते करते थोड़ी गुफ्तगू ये कर दी, जिसके नतीजे में थोड़ा सा माहौल सुरश हुआ। उन्होंने कहा जी मैं तो अब 3 दफा वजीर आजम रह चुका हूँ, मुझे तो अब कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं तो कश्तियां जला के चला हूँ, जेलें भरने पड़े, ये करने पड़े, कब कब करें, और डरना नहीं है। अब दूसरी मीटिंग के अंदर जब ये बात दोबारा हुई कि जी जेलों में जाना पड़े तो जाएंगे, फलाम करना पड़े तो करेंगे, डरना नहीं है, जो डरते हैं वो अपना अलग रास्ता कर लें, तो ये उन्होंने किसी को पुश बैक करने की बात तो नहीं की, लेकिन वो गुफ्तगू ऐसी थी कि उस पर स्पॉन्टेनियस नेचुरली पीपल्स पार्टी का एक रिएक्शन होना था। उसके जवाब में जरदारी साहब ने कहा कि जी मियां साहब अगर आप ये समझते हैं कि ये रास्ता इख्तियार करना है तो फिर मुनासिब ये है कि आप भी तशरीफ ले आए और फिर रल के चलते हैं और लड़ते हैं और जेलें भरते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट्री वे में इख्तियार करना है तो फिर तो मियां नवाज शरीफ साहब की जरूरत नहीं है, वो जहां भी बैठे हैं यहाँ उनकी जमात मौजूद है, उनकी क्यादत मौजूद है, उनके मेंबर्स मौजूद है। बट दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर अ लॉन्ग मार्च एज वेल सर, देखें वो भी एक लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं, आप लोग भी लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं, इस पे भी बातचीत हो रही है कि कोई मुश्तरका एक मतमली हो सकती है। अगर तो आप इकट्ठे होते हैं देन दोबारा जरदारी साहब क्या मियां साहब को आवाज देंगे कि मैं अगर बीमारी के बावजूद, मुश्किल हालात के बावजूद सामना कर सकता हूँ तो मियां साहब आओ मिलकर खेलते हैं? देखिए ना आपकी ये जो आपकी इंटरप्रिटेशन है, आपकी एक जर्नलिस्टिक डिमांड अपनी जगह, इसकी इंटरप्रिटेशन अपनी जगह, मैं तो इसकी वजाहत कर चुका हूँ ना कि ये पीपल्स पार्टी की डिमांड नहीं थी। ठीक है ठीक है, ये एक बात के जवाब में होने वाला एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। ठीक है, डिमांड और सूरत हाल होती है जी, ठीक है, आप मुझसे कुछ सवाल करें मैं उसका जवाब दूं, ये और सूरत है। मैं अपने तौर पे किसी तकरीर में, किसी कॉन्फ्रेंस में अपना ख्याल पहले जाहिर कर रहा हूँ तो उसकी और सूरत होती है, उसको उस तनाजुर में लेना चाहिए। कारा साहब आपकी जो सियासी विजडम है उसको सलाम है, एक ब्रेक के साथ वापस आते फिर बात करते हैं, वर्षा आती रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, शिबली फराज साहब आपने सुना अपोजिशन के दोनों लोगों को, कमर उस्मान कायरा साहब को भी और अब्बासी साहब को भी। अब्बासी साहब के एक नुक्ते में बड़ी जान है, उन्होंने कहा जी आप लोग गुस्से में ऐसा लगता है और फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही, वैसे आप लोगों ने जलसे जुलूस करने का भी फैसला किया है, इतना आसान तो दिखाई नहीं देता जितना आप लोग टीवी पे बता रहे हैं। इतना ही आसान होता तो ये तो काम करने का वक्त है, जलसे जुलूस तो आप कल भी कर लेते, इलेक्शन के करीब चले जाते, अभी तो 2.5 साल पड़े हैं भाई। देखिए पहली बात तो ये है कि जिस तरह मेरा ख्याल है कि जावेद अवासी साहब ने जो वो वीडियो देखे थे, जो विजुअल देखे थे, जो स्क्रीन पे अपीयर हुए जब इनकी पार्टी के लोग और मौलाना फजल रहमान की क्यादत में वो लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उस पर आप भी इजहार कर चुके हैं, उसमें मैं उसमें नहीं जाऊँगा। देखिए पहली बात तो ये है कि इनके पास हमें ये बताएं कि जो इनकी लीडरशिप है पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए तो शायद खाकान अब्बासी काफी हैं, उनके ताल्लुकात में दरार डालने के या चुरा घोंपने के लिए वो आए, वो रोज आ जाते हैं और उनका एक बयान मुख्तलिफ होता है जो कि इनकी पार्टी का लगता है कि इसमें कोई आपस में पार्टी बिल्कुल डिवाइडेड है, 4 हिस्सों में तकसीम है, उसकी वजह से ये लोग कोई एक फैसला कर नहीं पाते। दूसरी ये बात है कि अवाम भी ये सोचते हैं कि एक पार्टी जो कि बड़ी, आपने भी कह दिया कि जो उनकी लीडरशिप बेशक हो वहां पर निकारा साहब ने सच कहा कि उनकी लीडरशिप बाहर बैठी हुई है, सारा खानदान बाहर बैठा हुआ है और वो उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को आगे लगाया हुआ है क्योंकि वो समझते हैं कि जी वो अपना उधर एक बड़े ही पुरतयश माहौल में रह सकते हैं जबकि अवाम के लिए वो अपने दूर से आवाज बुलंद करें और यहाँ पार्टी के लोगों को आगे लगाएं। इसलिए पार्टी, इनकी पार्टी में बड़ा एक वो पाया जाता है, कोई मरियम नवाज शरीफ को नहीं मानता, कोई शहबाज शरीफ को नहीं मानता। देखिए हमारा काम है, हम काम कर रहे हैं, हम जलसे भी करेंगे, एक सियासी पार्टी है और ये तारीख में होता आया है, बल्कि ये एक बड़ा अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो है तो जाके आवाम में उनके साथ उनको बताएं कि क्या हालात क्या है, क्या हालात थे। और दूसरी बात ये है कि आपने इन दोनों की बातें सुनी, इसमें कोई ठोस, वैसे अपोजिशन आपको कह रही है खासतौर पर मरियम नवाज के आप लोग हेलमेट पहन के प्राइम मिनिस्टर को भेजिएगा पब्लिक में। नहीं देखिए वो तो यही कहेंगी ना, हमने तो यही कहा है कि आजकल का तो जमाना यही हो गया है कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, अब जो है तो हम तो पब्लिक में भी निकलते हैं, अकेले जाते हैं हम पब्लिक में, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पता है कि किस की वजह से, महंगाई की वजह से मुल्क जो है उसमें जो लोग हैं उनको बिल्कुल वो है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल चीज है, ये कोई अगर लोकल वबा होती ना
तो हम कहते हैं जिस तरह की कोरोना ने पूरे मुल्क पूरी दुनिया को घेरे में लिया था, इस तरह महंगाई ने भी पूरी दुनिया को घेरे में लिया हुआ है। इसलिए ये कोई वो एक हमारी हुकूमत की वजह से ये नहीं है, बल्कि जो जो मरूजी हालात हैं जिसमें कि जो कीमतें बढ़ी हैं उसकी वजह से ये महंगाई है, और हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और फिर मुझे बताए ना कि किस मुल्क में ये इस तरह का सेहत का प्रोग्राम, यहाँ पे गरीबों के लिए एहसास प्रोग्राम, टारगेटेड सब्सिडीज, ये सारी चीजें हैं जिनके पे हम उस तबके को की हेल्प कर रहे हैं हुकूमत के तौर पे, जो कि जरा ज्यादा वल्नरेबल है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इनसे ये पूछें आप दोनों मेरे दोस्तों से कि ये बताएं कि इनका आगे प्लान है, मसलन एक मॉडल उस पे एक इनकी इनको खुश करने के लिए हमें कहते हैं कि जी अच्छा ये हो गया, उसके बाद क्या है, क्या होगा, इलेक्शन होगा, अगर इलेक्शन होगा तो किस बुनियाद पे होगा, किस कानून के तहत होगा, कौन मानेगा कि जी इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुए हैं, आया ये सारी चीजें इनके पास, ये महंगाई के लिए क्या तजावीज हैं, क्या है जो कि ये कह रहे हैं कि IMF है तो किस तरह ये निकलेंगे। ये तो देखें इन्होंने माजी में 15-15, 20-20 साल बड़े बुनियादी सवाल है। नंबर एक, क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी वाला जो बिल आया उसको खत्म कर देंगे कानून को? क्या IMF के साथ मुआहदा मनसूख कर दिया जाएगा? क्या नए हुक्मरान आने के बाद चाहे आलमी सतह पे महंगाई ज्यादा हो फिर भी पाकिस्तान में कम हो जाएगी? पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनली कितनी भी हो क्या वो कम हो जाएगी? डॉलर की कीमत कहां पे ला पाएंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं जो अपोजिशन से पूछे जाएंगे अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो। लेकिन एक सवाल है जो बुनियादी है, जिसकी तलाश में, जिसके जवाब की तलाश में मीडिया भाग रहा है। मैं शिवरी साहब एक सेकंड, एक सवाल है जिसकी तलाश में मीडिया है, वो उसका जवाब अब्बासी साहब दे सकते हैं। अब्बासी साहब, अगर एक नया वजीर आजम आता है तो आपकी जमात और PDM के लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि इंतखाबात जल्दी और फौरन होने चाहिए, विद इन 3 months इंतखाबात करवाए जाएं, 3-4 महीने के अंदर। क्या ये शर्त और ये चीज बदस्तूर ऐसे ही मौजूद है या इस पर आप लोग कंप्रोमाइज कर लेंगे? मैंने कहा कि देखें ये मॉडलिटीज कुछ जो है वो तय करनी है सारी सियासी जमातों ने मिलकर, और ये फैसला किसी एक जमात इससे ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगा। जो PDM की जमातें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी सियासी जमात है, जो यकीनन उनकी भी राय सबकी शामिल होगी और बैठ कर जो भी वो फैसला करेंगे वो सबको काबिल कबूल होगा। हाँ, हमारा एक बहुत ख्वाहिश भी रही है, हम समझते भी हैं कि इस मुल्क का इस वक्त मुश्किलात का हल यही है, और हमने इसका इजहार भी बहुत दफा किया है, फ्रेश मैंडेट होना चाहिए, इलेक्शन में जाना चाहिए, इलेक्शन लड़ने चाहिए, और उसके बाद अवाम पाकिस्तान की अवाम जिसको भी मैंडेट हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अगर कल अवाम जिसको भी मैंडेट करे उसको हम एहतराम करेंगे। लेकिन एक बात जो शिबली साहब कह रहे थे, शिबली साहब ये आवाजें जो हैं ये सिर्फ अपोजिशन की नहीं है, आपके अपने MNAs, आपकी अपनी मीटिंग्स के अंदर, आपके अपने जो बहुत सीनियर लीडरशिप है खैबर पख्तूनख्वा से, उनकी जो बातें हैं अगर आप अपने सामने रखें। और एक तो है शिबली साहब की तरह लोग हैं जो इस जमात के साथ खड़े रहे हैं, जिन्होंने इस जमात के साथ ही खड़ा रहना है, जो वाकई नजरिए के साथ इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। एक बड़ी तादाद है जो इकतदार में इस वक्त बैठी हुई है, जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब सबसे ज्यादा शायद अहमियत भी दे रहे हैं, जिनको जिनकी कारकर्दगी से वो ज्यादा खुश भी हैं, वो ये सारे वो लोग हैं जो इधर उधर से लाए गए थे इनकी हुकूमत बनाने के लिए। वो लोग उसी वक्त आते हैं जब उन्हें इकतदार नजर आ रहा होता है, और जब उन्हें नजर आ रहा होता है कि इकतदार जा रहा है, वो सबसे पहले छलांग लगा देते हैं, वो सबसे पहले अपनी नई सफबंदी करते हैं, वो नई जगह पे जाते हैं। शिवली साहब आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, वो आपके पास इसलिए आए थे कि नजर आ रहा था कि इकतदार अब PTI को दिलाया जा रहा है या दिया जाया जा रहा है, इसलिए आप मेहरबानी करके उन पर भी नजर रखें। और इससे भी ज्यादा किसको दिलवाया जा रहा है इकतदार इस वक्त, हमें मुझे नहीं पता कि इकतदार किसको दिलाया जा रहा है, लेकिन मुझे ये नजर जरूर आ रहा है कि अब सब इस बात पर मुतफिक हैं कि पाकिस्तान की इकानमी की सूरत हाल वहां खड़ी हो गई है, पाकिस्तान के हालात इतने मुश्किलात में पड़ गए हैं, जहां IMF की टीम बिठा दी गई है, अगर फौरी तौर पर कोई इकदाम न किए गए तो फिर शायद सारे मिलकर भी ठीक ना कर सकें, ये एहसास अक्रॉस द बोर्ड जरूर पैदा हो गया है। इकतदार किसको मिलेगा वो तो इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। हाँ, अदम एतमाद के लिए मुझे यकीन है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं, जो अब सारी जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो भी अब सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा देर अगर इनके साथ हम चलें तो वो कल अपनी इलेक्शन कंपेन करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो जल्दी अपना फैसला करेंगे। और मुझे लगता है कि वो लम्हा आ गया है, वो वक्त आ गया है कि वो सख्त फैसला उन्हें करना पड़े। बहरहाल ये चंद दिन आगे जो है नजर आ रहे हैं, और वजीर आजम साहब ने भी कहा था कि ये बड़े इंपॉर्टेंट डेज हैं, वजीर आजम साहब को कुछ चीज नजर आ रही थी इसलिए उन्होंने भी कहा था,
तो मेरा ख्याल है कि अगले चंद दिनों में चीजें ज्यादा सामने आ जाएंगी। कमरुद्दीन कायर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम उसी तरह चलता रहे और एक डेमोक्रेसी के तरीके से, जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म को हटाकर दूसरा वज़ीर आज़म लाया जाए, टेन्योर पूरा करवाया जाए और फिर वक्त पे नए इंतखाबात हों ताकि तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमतों को पूरा टेन्योर और मौका मिले। लेकिन PMLN और PDM की जमातें एक नुक्ते पर अड़ जाती हैं आकर के, जी फौरन नए इंतखाबात करवाए जाएं, फ्रेश मैंडेट। पीपल्स पार्टी क्या इस पर लचक दिखा सकती है, खासतौर पर जब सिंध में उनकी हुकूमत है? दो बातें कमरान, एक तो ये बात है कि पीपल्स पार्टी कब कहा कि टेन्योर पूरा होना चाहिए? पीपल्स पार्टी के सर, हम जिस बंदे से भी बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, वो यही कहते हैं कि हमारे ख्याल में, मैं रिकॉर्ड की बात करूं ना, ऑफ द रिकॉर्ड तो आपसे बात हुई ना, मैं तो रिकॉर्ड से पूछ रहा हूँ। नहीं, आप बताएं अपनी ख्वाहिश। नहीं नहीं, आप अपनी ख्वाहिश बताएं। नहीं सर, मेरी ख्वाहिश नहीं, मैं आपके जो आपके कमेंट को सर आप तर्दीद कर दें मेरी बात की, तो मैं उसको, मुझे यकीन है कि आप जो बात करेंगे वो मुस्तनद करेंगे। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, दैट्स व्हाई मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि क्या ऐसा नहीं है। आप बड़े जयीफ साफी हैं, आप बड़े जिम्मेदार साफी हैं, मुझे पता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के किस बंदे ने, और अब मैं इसका रिप्लाई ये कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के किसी बंदे ने कभी नहीं कहा। ठीक है, आप नया इलेक्शन करवाना चाहेंगे? पीपल्स पार्टी की क्या, पीपल्स पार्टी की क्यादत ने बारहा ये कहा है कि जिस महज पे ये हुकूमत मुल्क को ले आई है, इस वक्त इस गार्बेज से, इस जिम्मेदारी को, इस बोझ को कौन अकेली जमात उठाएगी? यकीनन एक क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में जो इस तरह के राय से सबको इत्तेफाक के राय से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके एक नए इलेक्शन की तरफ जाना ही मसाइल का हल है। और क्यों हल है? इसलिए कि अगर आपने फरमाया ना कि हम अगर आ जाते हैं, नई गवर्नमेंट आती है तो क्या वो स्टेट बैंक के कानून को विड्रॉ करेगी? हाँ, हमने ये ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई, और मुस्लिम लीग ने कहा हुआ है हमारी गवर्नमेंट आई तो हम इस कानून को खत्म करेंगे। हमने कहा हुआ है कि हम अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम IMF के पास दोबारा जाएंगे फॉर रीनेगोशिएशन। यूनिलैटरल तो अपनी विड्रॉ करते हैं, अब हुकूमतों के फैसले होते हैं लेकिन रस्ते मौजूद होते हैं। मसला यह है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो सारी जमातों को मिला के पाकिस्तान के अवाम का एक मुत्तफाक राय से, अवाम से आवाज उठा के चले, जिस तरह हमने माजी में दहशतगर्दी के खिलाफ हमने खारजा पॉलिसी के लिए वो इकदाम उठाए जिसमें सारी जमातें इकट्ठी हुई, तो उन्होंने अपना रोल प्ले किया। आज भी आप दुनिया के साथ मुकालमत करने के लिए, आलमी इदारों से डायलॉग करने के लिए और उनका एतमाद बहाल करने के लिए, उनकी पॉलिसीज की जो कंटिन्यूटी है उसको बहाल रखने के लिए, अगर उनको ये तस्कीन करा दें, यकीन दिला दें कि जो भी हुकूमत आएगी, ये हुकूमत अगले 4 साल चले, 5 साल चलेगी, लेकिन जो पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमी की पॉलिसीज होंगी वो चलती रहेंगी। वही बात जो अपोजिशन कहती रही कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर ले, ऐसी सूरत में ही पाकिस्तान को इस गंभीर मसले से निकालने का हल निकल सकता है ना। इमरान देखिए ना, हम समझते हैं कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान को बहुत गहरे खड्डे में फेंक लिया है। अब आपकी राय हो सकता है मुख्तलिफ हो, शिबली साहब की यकीन मुख्तलिफ है, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अवाम की राय का इजहार करते हुए हम अपोजिशन की जमातें आपस में लड़े थे, दूर थे, फलान थे, हमने वो जो चीजें खत्म की कि हमें इकट्ठे होकर इस हुकूमत से को अलग करना चाहिए। आपकी दानिश में क्या हमने ये अच्छा किया है या बुरा किया है? कायर साहब, ये वक्त बताएगा और फैसला करेगी पब्लिक। आप बताएं ना, मेरा 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 मैं वही आपको कह रहा हूं। देखिए जो फॉर्मूला अभी आपने दिया है और जरदारी साहब ने, मैं उसके ऊपर रिप्लाई करूंगा आपको। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपकी अपनी बड़ी बाप बड़ा आपकी बड़ी बड़ी मुसब्बब राय है ना कि हमें क्या करना चाहिए। मैं आप लोगों की राय लेने के लिए बैठा हूं कायर साहब, मैं अपनी राय जो है वो व्लॉग में दे देता हूं। मैं आपको एक मिनट जिंदान, मैं आपको हल्फन कह रहा हूं जी। मैं रोज गलियों में होता हूं, फातिहा दुरूद शादियों में जाता हूं, लोग हमें पूछते हैं कि कब जान छुड़ाओगे। मुझे ऐसा लगता है कायर साहब, मेरी सुन लें अब, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ऐसी है कि जो आदमी भी जहां भी जाता है, जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पनामा का और ये दूसरे केसेस चल रहे थे तो हुसैन नवाज के साथ लोग फोटोएं बना रहे थे जिस दिन वो गए थे वहां पे। मेरी यार सुन ले, पाकिस्तान में आप एक मशहूर आदमी, आप जहां जाएंगे लोग आपकी मर्जी की बात करेंगे। मुझे क्या करना चाहिए था? हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत को 5 साल पूरे देने चाहिए, उसको शहीद करके आप उसका फायदा करेंगे।
मुझे ऐसा मार्शाला के नतीजे में हटाने की कोशिश है क्या, इनको फैसले के नतीजे में हटाने की कोशिश है? अगर पार्लियामान के अंदर से इनकी अक्सरियत खत्म करके एक नई हुकूमत कर सब ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो आप करके देख लें, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कर सकते हैं करके देख लें। सवाल मेरा ये है, जो फार्मूला एग्जैक्टली दिखाया, लेकिन साथ वो वीडियोस भी आई जिनके अंदर उनका बेटा पैसे बांट रहा था, चले वो देखते रहे, वो अभी जब दिखाते रहिए हमें कब इतना आ लेकिन चले मैं मेरा सवाल कर सब सवाल सवाल ये कर सब सवाल निकले हैं ना, सवाल ये आपने जो फार्मूला दिया ना, या जिन चीजों को टैकल करना है, वो कोई 2-3 महीने वाली बात नहीं है। IMF के साथ रीनेगोशिएशन, कानून को खत्म करना, आप बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेने की बात कर रहे हैं। जरदारी साहब ने भी यही कहा था कि गवर्नमेंट आएगी वो करेगी लेगी, वही मैं सर सवाल तो पूरा सुन ले, जरदारी साहब ने ये कहा था कि एक पार्टी नहीं कर सकती। ये मेरा 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 इशू है ना, मुझे बयान कर देने जी फरमाइए। आप मेरे इशू को सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि जो भी नई गवर्नमेंट बनेगी उसका मैंडेट, उसकी कोशिश ये होगी कि क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करे, इलेक्टोरल लॉज को ठीक करे, इसकी गलतियों को दुरुस्त करके एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए तमाम जमातों और स्टेक होल्डर की मशावरत से कानून साजी करे और नए इलेक्शन में चुनी जाए। अवाम के मैंडेट से आने वाली हुकूमत जिस जमात की वो इत्तेफाक राय से सारी जमातों को मिटा के इस्तेमाल करते हुए वो रीनेगोशिएशन भी करेगी, वो स्टेट बैंक वाला भी करेगी, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक है। कर्दा शिपली फराज साहब भी कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी बात सुन लें। जी फराज साहब क्या कह रहे हैं? मेरा कार्य साहब से एक सवाल है जो कि मैं उन्होंने अभी अपनी एक तसव्वुराती दुनिया जो आने वाली है उसका एक बड़ा एक जिक्र सा किया, एक उसको किया। इसी तरह बासी साहब ने भी एक तसव्वुराती ख्याल पेश किया जिसका कि अमली तौर पे कुछ हो नहीं है। मुझे कायरा साहब ये बताएं, ये आप जो है तो वो कर देते हैं, अदम एतमाद ले जाते हैं और आप फर्ज कर लें कि आप कामयाब भी हो जाते हैं, असेंबलियां टूट जाती हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स कौन करेगा, कौन सी हुकूमत करेगी और उस पर क्या एतबार होगा, मुझे ये बता दें, तो फिर मैं समझ लूंगा कि जी कायरा साहब वाकई सियासी बसीरत रखते हैं। मैं जवाब देता हूं, इसका जवाब आपने नहीं देना, मैं दूंगा। नहीं आप देना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, रिलैक्स करें और लंबा जवाब दें। जवाब ले लें इसका, जवाब ले लें कायरा साहब से। कायरा साहब जवाब देंगे आपको। शिबली साहब का कमाल ये होता है कि ये अक्सर सवाल भी खुद करते हैं, जवाब भी खुद देते हैं, हमारे भाई हैं। मसला ये है कि इस पार्ट को पार करके इस असेंबली से एक नई हुकूमत तश्कील पाएगी, ठीक है, असेंबलियां डिसॉल्व नहीं होंगी, वो नई हुकूमत जो आएगी वो अक्सरियत के साथ नई हुकूमत आएगी, और जब बात होता है तो नई हुकूमत का भी अपना एजेंडा सामने ले आते हैं और उस सूरत में आप अपनी नई हुकूमत तश्कील देंगे, वो रिफॉर्म्स करेगी, वो हुकूमत इलेक्शन कराएगी और उस सूरत में जो भी पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे उसके साथ सारी जमातें खड़ी होकर फिर वो फैसला करेंगी, जो कौमी इत्तेफाक राय होगा उसके साथ आप दुनिया के साथ मुकालमा करने निकले तो आपकी बात में वजन होगा, ठीक है। चले कर सब एक ब्रेक लेनी है, यानी ये जो पाकिस्तानियों का वोट या ईवीएम मशीन ये उड़ जाएंगे, फर्क हो जाएंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं कह रहा मैं, ये नहीं कह रहा इसके तो खिलाफ है, आप लोग राय हो सकती है, मैं कह रहा हूँ पार्टियां इसके खिलाफ है। चले एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, एक ब्रेक लें वापस आते हैं, बात करते हैं बरसात की। वेलकम बैक नाजरीन। अगर तो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई स्पीकर के खिलाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ, और उसके बाद अगर अपोजिशन की एक मिलीजुली सरकार बन गई इस मुल्क में, तो शिबली फराज साहब जो मशीन आप लेकर फिर रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो तो फारग हो जाएगी, और ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो वोट का मामला है वो भी लगता है, क्योंकि अपोजिशन को ये दो चीज़ें जो हैं इनके ऊपर शदीद तहफ़ुज़ात थे, ये तो दो बिल्कुल क्लियर है कि ये तो उड़ जाएंगी, और बाकी जो कुछ आपके तहफुजात कुछ उनके, तो एक इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरफ पाकिस्तान बढ़ेगा। ये ऑब्वियस है कि अगर अपोजिशन के पास हुकूमत आएगी तो वो ये दो चीजें निकालेंगे, क्योंकि बर्मला ये जमातें बार बार कह चुकी हैं। देखिए बर्मला इसलिए कहती हैं बिकॉज इनको पता है कि ईवीएम से भी इनकी हकीकत आश्कार हो जाएगी और जो ओवरसीज वोटिंग है उससे भी इनको पता है कि उसके क्या नतीजे होंगे। ये बुनियादी तौर पर ये मुल्क के मफाद में नहीं सोचते हैं, ये जाती मफाद में सोचते हैं, और इनका जो बुनियादी तौर पे इस वक्त जो ये कहना कि जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगी, ये किसी खाली दुनिया में इनकी सारी कायरा साहब की बातें, जावेद अब्बासी की बातें, ये
कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा, ये स्टिली के ख्वाब हैं जो कि देखना चाह रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर हम ये कहते हैं इनको कि ये तकड़े बने और आए लाएं मदद, लाएं ये अदम एतमाद की तहरीक, ये बातों से तो जो है तो अपनी स्क्रीन से ऑक्यूपाई कर लें, अपने आप को सियासी तौर पर दिखा रहे हैं कि जी हम भी टोइयां मार रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि ये नहीं कर सकते हैं। इनकी बातें हमने शुरू में भी सुनी है, आखिर में इनका अंजाम भी रसवाई है और आगाज भी रसवाई है, इसलिए इनकी बातों को अब हम यही समझ लें कि ये जो है तो एक अपने आप को सियासी तौर पर रेलेवेंट रखने के लिए ये इस किस्म के शोशे छोड़ते रहते हैं, और अमली तौर पर इनकी आज तक एक हिकमत अमली कामयाब नहीं हुई है। और बाद में ये चूचू का मुरब्बा, आप चूचू के मुरब्बे को मुल्क के हवाले करना चाहते हैं, मुल्क को इन्होंने पहले क्या अंजाम किया है पाकिस्तान का कि अब ये जो है तो इन हालात में ये बुनियादी तौर पे अपने आप को जो भी इनके केसेस हैं, जो करप्शन के केसेस हैं, ये उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, और ये इसमें मुल्क का कोई जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ जिक्र है कि किस तरह से जो कानून का दायरा इनके गिर्द तंग होता जा रहा है, खासतौर पर शहबाज शरीफ के अगेंस्ट, तो ये जो है ना ये अपने डेस्परेशन में ये काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं वैसे एक सवाल मैं सेंटर साहब से करना चाहूंगा, सर ये कभी आप लोगों के दिमाग में आया कि चपरासी के अकाउंट में 4 अरब कैसे आ गए? यानी वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, आप चाहे वो आपकी पार्टी है, लेकिन ये चीज कभी ख्याल तो आया होगा कि 4 अरब रुपया जो है वो चपरासी के अकाउंट में, यानी ये कैसे हो सकता है? ये बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो समझ ही नहीं आती, कॉमन सेंस में नहीं आती। जावेद अब्बासी के अकाउंट में हो जाते तो फिर भी हम खुश होते, हमारा दोस्त है। देखे इमरान साहब, ये है वो एलिगेशन, ये चीजें कह रही हैं जो कि ना आसान है, लेकिन आप देख लें कि जब से ये हुकूमत आई है, शहजाद अकबर साहब को ये लेके आए थे, कितने बड़े बड़े उन्होंने दावे किए थे, उन्होंने कहा था अरबों रुपया लूटा हुआ मैं बाहर पड़ा है, मैं लेके आऊंगा, मैं फलां फलां को उठा के लाऊंगा, मैं वहां से इन्वेस्टमेंट लेके आऊंगा, मैं यहाँ पाकिस्तान में लोगों को लूटा हुआ पैसा लेके आएंगे, और जब उन्हें निकाला गया जिस बेआबरू तरीके से वो उसको हुकूमत से निकाला गया और उन पर जो एलिगेशन लगे वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब मामला ये इस वक्त हुकूमत में ये किससे डिमांड करते हैं? मैं और कायरा साहब तो अपोजिशन में, हम तो डिमांड कर सकते हैं, ये हुकूमत में और पिछले 3.5 साल हो गए इनकी हुकूमत में, इमरान साहब को एक केस को किसी लॉजिकल एंड तक ये पहुंचाते, किसी एक केस में ये रिकवरी लेके आते, किसी एक केस को ये अदालत में साबित करते। सर मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हुई है, उनकी 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 जायदाद नीलाम हो गए, पैसे सरकारी खजाने में गए हैं। सर मियां साहब की मोहम्मद बूटा ने शेखुपुरा में प्रॉपर्टी खरीदी है, यहाँ पे गाड़ियां नीलाम हुई हैं, वो प्रॉपर्टी वो पैसा सरकार के अकाउंट में गया। सर ये सारे वो केसेस हैं जो नैब की अदालत से फैसले होते हैं, वो आप सारे समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन ये केसेस आगे हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में अब केसेस चल रहे हैं, आप देखेंगे हाई कोर्ट रोजाना प्रॉपर्टी। और उस अदालत के बारे में इमरान साहब, मैं नहीं कह रहा, हाई कोर्ट कह रही है और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नैब ने इस मुल्क की इकानमी को तबाह किया है, वो कह रहे हैं कि नैब लोगों की पगड़ियां और इज्जतें उछालता है, वो कहते हैं नैब हुकूमतें गिराने में लगा हुआ है, वो कहते हैं नैब हुकूमत बचाने में लगा हुआ है, और अपने केस साबित करने में बुरी तरह नाकाम है, सारी अदालतें आज ये बातें कह रही है। लिहाजा ये सारी एक्विजिशन है, ये सारी इनकी एलिगेशन है, ये सारे यही तो मसला रहा है कि इन्होंने एक मेरा सवाल सर वही है, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता, लेकिन फिर भी सर कभी दिमाग में तो आता होगा कि चपरासी का अकाउंट और 4 अरब रुपया, कभी कभी वैसे ही ख्याल आ जाता है बंदे को? देखिये मैं कहता हूँ ये सारी ये इस हुकूमत में एक महारत है, ये बहुत इनके पास एक बड़ी टीम है शिबली साहब को निकाल के ये एलिगेशन लगाने में, तुमत लगाने में, गाली देने में, लोगों की इज्जतें उछालने में ये महारत रखते हैं। हम इनके किस किस बात का जवाब दें? अगर किसी के खिलाफ पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है, अगर इनके पास एविडेंस है, मेहरबानी करके अदालत में ले जाए, वो पैसा रिकवर कर हमें सजा दिलवाए, लेकिन सिर्फ ये बात ये बातें करने से, ये रोज एलिगेशन लगाने से, ये टीवी बैक के इल्जाम लगाने से अब इस कौम के लोग इनसे राजी नहीं होंगे, क्योंकि कौम को नजर आ गया है यहाँ 5 बड़े कमीशन बने, आटा कमीशन, चीनी कमीशन, उसके बाद दवाइयों का कमीशन बनाया गया है, ये पेट्रोलियम कमीशन, रुपए के लोगों के पैसे खाए गए, वो कमीशन की रिपोर्टें शिबली साहब के खिलाफ एक्शन ले, रिंग रोड कमीशन भी बना है, आप 5वीं 6-7 बने जी। अच्छा चले मैं कायरा साहब से एक चीज, कायरा साहब आप लोग तो बस इसी महीने आ रहे हैं एहतजाज लेकर लॉन्ग मार्च, कायरा साहब अब ये पत्थर पे लकीर है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज लेकर आ रही है, उसमें अपोजिशन के साथ कोई मैकेनिज्म तय हो रहा है? क्योंकि
पंजाब में ये सारी चीज़ें और यहाँ आपने देखनी है, तो क्या वाकई ये कोई मैकेनिज्म तय हो रहा है या अब पीपल्स पार्टी ने जो तय कर लिया वो डेट फाइनल है और आप अपने प्लान के मुताबिक हर चीज़ जो है वो फाइनल कर चुके हैं? सवाल के तरफाने से पहले छोटा सा एक कमेंट आपने सवाल किया था जो बड़ा जरूरी है उसको एड्रेस करना, वो था कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी इसके वोट खत्म कर देंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन को खत्म कर देंगे और सोचो ओवरसीज पाकिस्तानी के इंटरेस्ट के हम खिलाफ एक बात कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट के खिलाफ नहीं, उनको राइट टू वोट है, हम तो चाहते हैं कि उनको असम्बलियों में नुमाइंदगी दी जाए, कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी, उनको पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियों में भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल सूरत हाल में हम ये बताइए, ये जो वजारत साइंस, मुझे शिबली का बड़ा एहतराम है, मेरे भाई हैं, गुजारिश ये है कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा इमरान खान की चल रही थी, कितना हमने ईवीएम बना दी है और हम अब फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने जा रहे हैं। यार मेरे भाई माजरत से बड़ी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लफ्ज अदा करूं। वो कहते हैं ये लफ्ज तो सही नहीं है कि 3 और 13 में नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं आप तो 10 में भी नहीं है यार, आपकी नंबर कितने दिए ये तो आपको... कि आपके आपके काम को कोई कहे कि जनाब आपने बड़े अच्छे काम किया और आपने शाबाश, आपने हमारा आइंदा मुस्तकबिल संवारने का, एक तो चलो हमारा ट्रेंड बंदा था या महमूद, उसको इतनी तो हिम्मत हो गई कि उसने कहा कि जनाब खत लिख के उसने अपने एहतजाज से कार्ड कराया, बाकियों को तो हाल ही कोई नहीं। और कैमरा इमरान खान, शेख रशीद साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे लिए बड़े एहतराम के लायक हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ बहुत ज्यादा। तो ये मैं आर्गूमेंट खान साहब के हवाले से करने लगा हूँ कि जिसको वो चपड़ासी के अकाउंट का तो मुझे नहीं पता उसमें कितने पैसे कहाँ से आ गए, लेकिन जिसको वो चपड़ासी नहीं रखना चाहते थे खान साहब के, उनके अपने जजमेंट में उसके वजीर दाखिला लगा दिया। और 9वें नंबर के वजीर भी हैं, लकी नंबर, अब देख ले पता नहीं क्या है। शिबली फराज साहब चले जाएंगे, अब आपने बात ऐसी कर दी है, शिबली फराज साहब को जवाब देने, शिबली फराज साहब आपकी आपकी वजारत किधर रहेगी, आपकी वजारत किधर रहेगी शिबली फराज साहब? ये देखिए मैं खैर खैर साहब से ये तो नहीं कर रहा था कि वो इस तरह के इस सतह पे जाएंगे कि वो इस तरह की बात करेंगे, जहां तक ईवीएम का ताल्लुक है हो या मेरी वजारत का है, मतलब है मैं तो इमरान खान की टीम का एक, मैं चाहे मैं वजीर हूं या नहीं हूं, और मैं तो ये कहता हूं कि जो वजीर परफॉर्म नहीं कर सके मेरे समेत उनको बाहर होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है ये। अच्छा, तो दोबारा अवेलुएट करेंगे, दोबारा बात करेंगे, सर खत्म हो गया, दो दिन मांगे फजल रहमान साहब से, लेट्स सी इन 2 दिनों में वो क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन अब तक इत्तेहादी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है कल, अल्लाह हाफिज़।